चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम समस्त दोष धनम मस्तके राजताम मम सर्वात्मना प्रपन्नानाम गोपीनाम पोषयन् मनः। तम वंदे विठ्ठलादीशम गौरश्याम प्रियान्वितम्। पुष्टि भक्ति सुधा रसपान के इच्छुक समस्त विष्णुजन गोपी गीत के श्रवण मंगल, गोपियों के मधुर स्वर शब्द के माध्यम से हमारे कर्णों को, हृदय को और मन को आप्लावित कर रहे हैं, भर दे रहे हैं, रससिक्त तो हो रहा है। कल के व्याख्यान के क्रम में हमने गोपियों की विरह की विवल दशा में जहां तहां स्थावर जंगम वस्तुओं से पूछना, कृष्ण की लीला का अनुकरण करना तथा पुनश्च यमुना जी के लीला स्मारक, लीला के स्मरण कराने वाले तट पर आकर सुंदर विरहमय गोपी गीत का प्रारंभ तथा उसमें भी विरह जनित विरह से पैदा हुए भगवान का अत्यंत विरह, मन में तालाबेली मच रही है, आरती है, भगवत दर्शन कब होंगे, उसमें सहज ही गुणगान निकल रहा है। श्रीवल्लभ आज्ञा कर रहे हैं, गुण गाने सुखावाप्तिर गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकात्मी देवात्मनी कृतोन्यतः। अर्थात गोविंद प्रभु श्री कृष्ण, उनको गुणगान, उनके स्वयं के गुण श्रवण करने से आनंद प्राप्त होता है, प्रसन्नता होती है। प्रभु प्रसन्न हो जाए तो हमारे सब दोष मद मान जो गोपियों को लगे हैं वो भी सहज ही दूर हो जाते हैं। प्रभु की प्रसन्नता ही गुणगान का हेतु है। सुखदेव महामुनि ब्रह्म तत्वज्ञ मुक्ति के, ब्रह्मानंद के अनुभव लेने वाले तत्ववेत्ता, उनको भी आत्मानंद का अनुभव उस प्रकार नहीं होता जैसा कि कथा के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान गाने वालों को रस का अनुभव हो पाता है। गोपियों के विभाग के बारे में श्रवण करके प्रथम श्लोक का कल व्याख्यान हमने सुना है, समझा है। सात्विक, राजसी, अन्य पूर्वा, श्रुति रूपा गोपी, वहां प्रभु श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, हमारे प्राण
अब हमारे नहीं है, ये अब आपके हैं। आपके लिए प्राण हमने धारण कर रखे हैं। ये प्राण यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो निकल जाएंगे। इनका, हमारे शरीर का, प्राण का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है आपके दर्शन के सिवा, आपकी सेवा के सिवा, स्वरूपानंद के लाभ के बिना। इसलिए हे प्रभु, आप आपका सानिध्य प्रदान करें, आपका दर्शन दें, उसी में हमारा जीवन कृतार्थ है। नहीं तो विरह की ऐसी उत्कट दशा हो गई है कि हम रह नहीं पाएंगे, वो प्राण निकल जाएंगे। अग्रिम श्लोक में गोपी, एक गोपिका का यूथ जो सात्विक तामस है, कुछ कड़क प्रकृति की है, परंतु फिर भी जो कड़क प्रकृति के होते हैं उनके मुंह से वाक्य भी उस प्रकार के निकल जाते हैं। इसलिए एक प्रकार से प्रभु को इसमें सुनाया भी गया है, पर प्रभु को मालूम है कि इनकी ऐसी दशा मेरे लिए ही है, अन्य कोई कारण से इस प्रकार के वचन ये नहीं बोल रही हैं। ये गोपियां बावरी हो गई हैं, कृष्ण के विहार में विभ्रम इनको हो गया है, कभी जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाती है, कभी मूर्छित हो जाती हैं, ऐसी विरह विभल अवस्था इनकी हो गई। तो द्वितीय श्लोक से आज हम इसका प्रारंभ करते हैं। शरदुदाशये साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषादशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बदह। इस श्लोक में गोपी एक यूथ अपना भाव प्रकट कर रहा है। स्पष्ट रूप में नहीं कहते हुए भी इन्होंने अपने भावों को प्रभु के सामने व्यक्त किया है। प्रभु के विशेषण दिए गए हैं, सुरतनाथ अर्थात अलौकिक कामना की पूर्ति करने वाले स्वामी, वरद अर्थात अलौकिक वरों को देने वाले ऐसे वरद प्रभु। गोपिकाओं ने स्वयं के लिए कहा है शुल्क दासिका अथवा अशुल्क दासिका, कि दोनों गोपिकाओं ने अपने लिए विशेषण का प्रकार बताया है। ऐसे ही इस श्लोक का संक्षिप्त में अर्थ इस प्रकार होता है कि हे सूरतनाथ, हे वर के देने वाले, आपकी दृष्टि लक्ष्मी का भी हरण करने वाली है। हमारे जो हृदय है उनका वो भेदन कर रही है, तो ये क्या हमारा वध नहीं है? अर्थात आपकी दृष्टि से हमारे प्राण जा रहे हैं, ये हमारा वध ही है। हे कृपा सिंधु, हे दीनानाथ, हमारा वध मत करो, हमारे प्राणों का हरण मत होने दो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, आपके मुखारविंद का दर्शन दो, कृपामयी दृष्टि से हमको देखो, क्रूर दृष्टि से हमको मत देखो। इतना सुंदर भाव प्रभु के सम्मुख व्यक्त किया है।
उसको धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु के अनेक प्रकार के विशेषण होते हैं। प्रभु को जब संबोधित किया जाता है तो जिस भावना से जो मन में इच्छा होती है उस भावना के अनुरूप प्रभु को संबोधन किया जाता है। जैसे किसी बालक का नाम कुछ अलग है परंतु प्रेमवश हम उसके कुछ अलग नाम धर देते हैं तो उन नामों से उस बालक में हमारा वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है, बाल भाव है, ये व्यक्त हो जाता है, ये प्रकट होता है। ऐसे ही प्रभु के भी अनेक विध नाम है। इन अनेक विध नामों में चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले प्रभु हैं। इसलिए जिस जिस पुरुषार्थ की प्राप्ति में व्यक्ति लगता है उस पुरुषार्थ के अनुसार प्रभु के नाम को पुकारता है। चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जिस पुरुषार्थ की कामना है तद अनुसार प्रभु का नाम बोला जाता है। कोई धर्म को सिद्ध करना चाहता है तो प्रभु को पुकारता है, हे धर्म बालक, अर्थात धर्म जो वैदिक धर्म है, जो पूर्व कांड में बतलाया गया है, जो वर्णाश्रम के धर्म है, उनको सिद्ध करने वाले, उनका पालन करने वाले, हमसे करवाने वाले, हमसे धर्म के कार्य करवाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मो रक्षति रक्षता। इस प्रकार उस मार्ग में धर्म की पुरुषार्थ के रूप में चाहने वाले लोग बोलते हैं। कोई बोलता है हे यज्ञेश्वर, यज्ञ जो है सकाम निष्काम भेद से हैं, वह भी प्रभुमय हैं। सकाम यज्ञों के माध्यम से सकाम भावना, सकाम फल प्राप्त होते हैं, निष्काम यज्ञ के माध्यम से आत्मरूप मुक्ति की सिद्धि होती है, आत्मज्ञान रूप मुक्ति की सिद्धि हो जाती है, परंतु भगवत प्राप्ति अत्यंत मुश्किल है। तो यज्ञ के रूप में विद्यमान होने से हे यज्ञ के ईश्वर, इस प्रकार संबोधन किया जाता है। ऐसे ही जिनको अर्थ की कामना होती है, पैसे की कामना होती है, वे प्रभु को बोलते हैं हे लक्ष्मी पते, हे लक्ष्मी के पति। अर्थात हमको लक्ष्मी की कामना है, पैसा हमको चाहिए, समृद्धि हमको चाहिए, इसलिए आपको उसी नाम से पुकारें जिससे आपके साथ में लक्ष्मी भी आ जाए। तो इसलिए लक्ष्मीपति नाम से प्रभु को बोलते हैं। फिर बोलते हैं सर्व सिद्धि द, सर्व सिद्धि के देने वाले हे प्रभु। अनेक विध शक्तियां हैं प्रभु के पास में, श्री इत्यादि शक्तियों के नाम श्रीमद् भागवत में बतलाए गए हैं। उनके माध्यम से भक्तों की अथवा जिनको अर्थ की कामना होती है उनको सिद्धियों का दान प्रभु करते हैं। तो जिनको उनकी कामना होती है वो प्रभु को उस रूप में भजन करते हैं, उस रूप में उनका नाम लेते हैं। ऐसे ही जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष चाहने वाले भगवान को मुकुंद कहते हैं। ये अलग अलग नाम प्रभु के अलग अलग पुरुषार्थ को सिद्धि करने वाले बतलाए गए हैं। तो मुकुंद अर्थात मोक्ष को देने वाले
अर्थात हमारे सभी दोषों को दूर करके हमको निर्गुण बना के गुणातीत बनाकर मोक्ष प्रदान करने वाले हे मुकुंद। ऐसे ही योगेश्वर, योग के माध्यम से योग के जो आप ईश्वर हो, तो तीनों प्रकार के जो योग बतलाए हैं उनको सहज ही में सिद्ध करवा के मोक्ष का दान करने वाले योगेश्वर के नाम से बोलते हैं। परंतु गोपिकाएं कहती हैं कि हे सुरतनाथ, यह तृतीय मार्ग है। सुरत अर्थात अलौकिक कामना, रत अर्थात लौकिक कामना। लौकिक कामना का हमारे यहां निषेध बतलाया है, वह भगवत प्राप्ति में बाधक है और संसार में बंधन पैदा कर देती है। माधुरी मुरली बजाव जे कन्हैया, माधुरी मुरली बजाव जे कन्हैया, यमुना नो काठड़ो बजाव जे कन्हैया, यमुना नो काठड़ो बजाव जे कन्हैया, माधुरी मुरली बजाव जे
जावजे कन्हैया रंगीलो राशनो रचावजे कन्हैया मधुरी शिमोरली बजावजे कन्हैया मधुरी शिमोरली बजावजे कन्हैया मधुर मुरली की उस मधुर मुस्कान की उस चंचल चितवन की एवं अलौकिक मदमाती प्रभु के चाल की सतत स्मरण करते हुए विरह करते हुए गोपिकाओं की यह स्तुति यह गीत